नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आज का टॉपिक है हमारे पास पॉलिटी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर प्रेसिडेंट। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो आपके क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नीति आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन। तो सी इज द आंसर, नीति आयोग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। इस डेट को याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस फॉल्स अंडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आपके ऑप्शंस हैं, ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या फिर एडवाइजरी है, एपलेट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेमेडी। वेल इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये इसका मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर मतलब पॉलिटिकल टीचर भी थे उनके, तो याद रखना। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यही थे जिन्होंने सबसे पहले ICS का इंडियन सिविल सर्विसेज इंपीरियल सिविल सर्विसेज था तो इसका नाम, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और यही थे जो, और 1909 का जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया था, उसी में इनको शामिल किया गया और ये शामिल हुए थे एज ए लॉ मेंबर के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिडरी पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935 वर गिवन टू। तो आपकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी 1935 के एक्ट में वो किसको दी गई थी? तो बी इज द आंसर, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गवर्नर जनरल या फिर उसको वाइसरॉय भी बोला जाता था, उसको ये सारी शक्तियाँ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ए इज़ द आंसर भाई, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, दो सदन होते हैं, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इम्पीचमेंट के लाया जा सकता है। उसमें इम्पीचमेंट अगर लाना भी है तो याद रखना 1/4 मेंबर के साइन चाहिए होते हैं सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। फिर जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 2/3 मेंबर जो होंगे वो उसको पास करेंगे, फिर ये 14 दिन का नोटिस जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, 14 डेज का नोटिस जाएगा। फिर सेकंड जो आपका सदन होगा उसमें इसकी जांच होगी, उसमें भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो फिर इम्पीचमेंट क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रपति जी को हटना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना, जब तक मतलब प्रॉपर साइन ना हो जाए कि आपको हटना है, तब तक अगर राष्ट्रपति ने कोई काम कर दिया है तो वो सारे मान्य होंगे, ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति के काम जो उसने किए उनको अमान्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है ये इम्पीचमेंट की बात करता है जिसके थ्रू जो भी हमारे प्रेजिडेंट हैं उनके उनको हटाया जा सकता है ना, वही है। और रीज़न क्या है? अगर वो वायलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो यही एक रीज़न है जिसके थ्रू उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हूम डज द वाइस प्रेजिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये सौंपते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देते हैं? ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो दोनों आपस में खेल लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बस याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये ऑप्शन है आपके पास, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो डी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, जब चीफ जस्टिस रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को तब प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके हमारा क्वेश्चन,
हु इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो डी इज़ द आंसर, सुप्रीम कोर्ट ही इसका कर्ता धरता है सारा, ठीक है। क्वेश्चन है, हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ ऑफ देम या फिर नन ऑफ देम? तो सी इज़ द आंसर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस व्हाट कैटेगरी ऑफ पिटिशंस आर टू बी एंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो कौन कौन सी हैं जो इंक्लूड होंगी? नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन की होंगी, हाँ जी होंगी। पिटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स, ये बिल्कुल ठीक है। पिटिशंस अगेंस्ट हरासमेंट बाय पुलिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो डी इज़ द आंसर, ठीक है। हु ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? तो राज्य कार्यकारिणी में का हिस्सा कौन कौन होते हैं? तो नॉर्मल सा है, इसको देख सकते हो आप, गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एडवोकेट ऑफ जनरल होते हैं। ये स्टेट का मतलब एक तरह से वो होता है वकील, ठीक है, जो स्टेट के कोई भी खिलाफ अगर केस वेस हो जाए तो उसको लीड करता है। तो इसका आंसर भी है डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 153 to 167 इन पार्ट 6, तो इसमें मेंशन किया गया है आपके गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी जो उनकी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसको बोला जाता है प्रॉपर मिलाकर के स्टेट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर? तो नो डाउट ये पावर होती है आपके स्पीकर के पास। मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है और वोट जो है वो बराबर पड़ गए, तो जो डिसाइडेड वोट होगा ना वो कौन देगा? स्पीकर साहब देंगे, ओम बिरला जी को समझ लो, नाम लेके बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीकर जो होंगे वो अपना वोट देंगे। क्वेश्चन है, द गवर्नर कंसल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस? तो ये देखो डिस्ट्रिक्ट जज की बात आएगी ना, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, सेशनल कोर्ट्स हो गए, ये सारे अंडर आते हैं आपके हाई कोर्ट के। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? तो भाई आंध्र प्रदेश में आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना है, ये कौन सा आर्टिकल है जो संसद को इसकी पावर देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 371E के तहत संसद के पास ये पावर है कि वो एक विश्वविद्यालय खोले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले, विश्व नहीं, माफ करें। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन? तो लॉर्ड मेयो, हॉब हाउस, लॉर्ड रिपन या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हॉब हाउस जो थे वो रॉयल कमीशन के हेड थे, ठीक है। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे पार्ट 3 में, तो सी इज़ द आंसर। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? तो भाई प्रेसिडेंट साहब को जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? इसका ऑप्शन देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं हैं तो उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति होगा, और अगर कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपॉइंट करना भी भूल गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज ऑन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट? टैरिफ कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन? आपको पता होगा कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ऐसा काम नहीं करती है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की पहले ही बंद हो चुकी है, टैरिफ कमीशन भी नहीं करेगा, ये करता है हमारा फाइनेंस कमीशन जो आता है आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर। तो बी इज द आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2nd, 10th, 3rd or 4th? तो इसका आंसर है बी, 10th शेड्यूल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, इसको इंट्रोड्यूस किया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट्स राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 13, 14, 15 और 17। तो 15 तो आपका हो गया भाई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 17 हो गया आपका अनटचेबिलिटी, 12 एंड 13 ये दोनों ही स्टेट डेफिनेशन की इंक्लूड, हाँ दोनों ही इसी के लिए इसमें इंक्लूड होती हैं, तो बी इज़ द आंसर। 14 आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 22, 16, 20 और 14। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 22। जबकि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे, तब हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी। अब आप देख सकते हैं आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351, इन सब में हमारे को 22 लैंग्वेज के बारे में मेंशन मिलता है। लैंग्वेज कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, साथ में आपकी संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली और डोगरी, ये वाली हैं, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? आर्टिकल 360 इज द आंसर, 280 फाइनेंस कमीशन है, तो ये हमने देख लिया था, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडियन सिटीजन्स टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्लॉज वन सारे हैं ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज डी इज़ द राइट आंसर, जिसके थ्रू आप लोग, आपको अधिकार दिया गया है भाई पूरे देश में आप कहीं भी घूमो, मौज करो, मस्ती करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड इट? तो वो कौन सा केस था जिसमें ऐसा कहा गया? बेरुवाड़ी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक इंडिया वर्सेज मदन गोपाल, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने मेंशन किया कि भाई ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स, तो मतलब कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है ये हमारे संविधान के किस, मतलब कौन से भाग में निहित है? प्रीएम्बल में, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। और ये पार्ट फोर में आते हैं हमारे, यहाँ पे मेंशन भी है 36 से 51 तक पार्ट फोर में डीपीएसपी जो हैं ये हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से, और आयरलैंड ने भी किससे किए थे? वो किए थे स्पेन से, तो अभी दोनों फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ से हमने इसको लिया है? तो लिया है हमने ए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्रू कमेटी थी 1945 की, जिसने सजेस्ट किया थे दो तरह के इंडिविजुअल राइट्स, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास जस्टिसेबल, और दूसरे होते हैं आपके नॉन जस्टिसेबल राइट्स, ठीक है। जस्टिसेबल राइट्स इसमें आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स, वहीं आप नॉन जस्टिसेबल राइट की बात करते हैं तो आपके डीपीएसपी हैं। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहीं डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाते समय इन डीपीएसपीज़ को ध्यान में रखेंगी कि इनका वायलेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट थर्ड, जो थर्ड पार्ट है उसी में हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो इसी में हमारा आर्टिकल 32 भी होगा, ठीक है। और इसी एक्ट, जो आर्टिकल है, इसको जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने संविधान की मूल आत्मा भी कहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस, मैंने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन भी किया था, आर्टिकल 32 के थ्रू ही आप लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक्चुअल में आप इसको इस तरह समझिए कि मूल अधिकारों की स्वयं में सुरक्षा करने के लिए भी आर्टिकल 32 वर्क करता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो ये कैसा प्रोसीजर है, क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा या फिर जर्मनी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से ये हमने एक्वायर किया है कॉन्करेंट लिस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन, तो आर्टिकल 324, 143, 123, 234, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 324 जो है आपका, 324 ये आपका एलोबरेट करता है चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गवर्नर्स सैलरी एंड अलाउंसेस आर गिवन बाय, ये किसे दिए जाते हैं? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। यहाँ पर आपको चीज़ याद रखनी है कि जो राज्यपाल का वेतन और भत्ते हैं ये ज़रूर स्टेट के फंड से दिए जाते हैं, लेकिन जब गवर्नर को पेंशन देने की बात आती है तो वो आपकी कहाँ से दी जाती है? सेंटर के फंड से दी जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर लॉ सेक्रेटरी। देखो लॉ सुनकर के आप प्लीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मत जाना, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल जो इंडिया जो होता है ये आपका भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, 91, 92, 93 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 93 जो है ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, ओके। ये भी चीज़ याद रखना कि जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा देते हैं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष को, ओके। ये चीज़ और भी है कि कोई भी जो आपका विधेयक है ना, वो धन विधेयक है या नहीं, इसको ओनली ऑन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका अध्यक्ष ही डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, आर्टिकल 76, 74, 75 और 72। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 75, ठीक है। तो आपके 75 के तहत ही जितने भी आपके प्रधानमंत्री हैं वो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। और प्रधानमंत्री की ही सलाह जब होती है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। तो ये जो आपका आर्टिकल 78 है इसके तहत मंत्रिपरिषद की सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा कौन? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर को। ये मतलब एक तरह से ये प्राइम मिनिस्टर का वर्क होता है कि वो अपनी सारी जो सूचना है राष्ट्रपति को दे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को मिला करके? तो डी इज़ द आंसर, 15% से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए टोटल मिनिस्टर में, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर होंगे प्रधानमंत्री की कैबिनेट में उसमें 15% ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये हमने कहाँ से लिया है? देखो आपको थोड़ी सी हिंट्स के तौर पर बता रहा हूँ, जब भी संसद के बारे में कुछ बात आएगी कि हमने संसद की ये चीज़ कहाँ से ली है और उसमें पार्लियामेंट का मेंशन हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर यूनाइटेड किंगडम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, इसका ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सी इज़ द आंसर, आंध्र प्रदेश जो है ये आपका पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य था। श्री रामल्लू पोट्टी जो थे वो यहाँ के लीडर थे, जिनके बहुत बड़े मूवमेंट के बाद इसको एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ईयर है 1953 की ये बात है, जब तेलुगु स्पीकर स्पीकिंग जो लोग थे
उनको अलग कर दिया गया था मद्रास से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितने हैं हमारे पास, 2, 3, 4 और 5। तो कितने प्रकार के न्याय हैं, देखें इसका आंसर आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि 3 तरह के न्याय की बात होती है जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। वो कौन कौन से हैं, वो मिलेगा हमारे को सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस देने की बात करता है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या फिर फेडरल गवर्नमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है ये आपकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर प्रीएम्बल। तो सी इज द आंसर, जो आपके जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में मैंशनड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हमारी 8वीं अनुसूची में मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल लेवल पे 14 लैंग्वेज थी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1937, 1950, 1947, 1960। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1937 में अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। फेडरल कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है और पहले चीफ जस्टिस जो थे उसके वो थे मॉरिक गायर, ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ठीक है, यही इसका आंसर है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये किससे डील करता है आपका, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम या फिर इलेक्शंस। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास, हु मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन करता है भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन बनाता है। ऑप्शन देखेंगे, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हाँ हो सकता है भाई, देखते हैं अभी ऑप्शन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डाउटफुल है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जी हाँ, सिर्फ इसमें पार्लियामेंट के मेंबर ही होते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और उन्हीं के थ्रू ही उनको नियुक्ति दे दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनका इलेक्शन होता है, जो जिस सिस्टम का नाम है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस टर्म को याद रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इनके इलेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर द रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच की बात है ये। तो उसको बनाया गया था सरकार, केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधार करने के लिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।